वो बेईमानी से इंडिया से ट्रॉफी जीती है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बहुत ही बड़ा ऐलान, बहुत ही बड़ी घोषणा कर दी है, जिसको सुनने के बाद हर भारत का फैन जो है खुशी से झूम उठे, नाच पड़ रहा है। जी हाँ, भारतीय फैंस पर चेहरे की झलक फिर उछाल आई है, क्योंकि इंडिया टीम के कप्तान रोहित शर्मा के भी आंख से आंसू छलक आए जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बयान सुने हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, आपको पूरा का पूरा लाइव वीडियो दिखाऊंगा। जी हाँ, अगर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनने के बाद आप भी एक बार खुशी से झूम उठेंगे, तो दोस्तों चलिए आपको सारे सबूत आपके सामने रखते हैं और आपको यह भी बताएंगे कि यह जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में वर्ल्ड कप फाइनल दोबारा से होना है, यह किस तारीख को और कब होगा, कहां पर यह है मुकाबला होगा। यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, भारतीय टीम के हौसले के लिए सभी लोग सच्चे दिल से कमेंट में लिख दीजिए, जय हिंद जय भारत। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया का मुकाबला फिर होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से हारी है। मुझे शर्म के साथ कहना पीडीडीडीएच रहा है, लेकिन बेईमानी नहीं की इंडिया ने, बेईमानी ऑस्ट्रेलिया की टीम और उस अंपायर ने की है, जिसकी वजह से भारतीय में चारा है और भारत के हाथ से वर्ल्ड कप की ट्रॉफी चली गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सचिन तेंदुलकर और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले एमएस धोनी अगर ना होते तो शायद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का ये फाइनल मुकाबला दोबारा हो पाता। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि इन दोनों व्यक्ति ने आईसीसी चीफ को भी सबूत दिखाए, बीसीसीआई को भी सबूत दिखाए। और सबूत की बात अगर हम करें तो प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री को भी सबूत दिखाए, तो इन लोगों को भरोसा हुआ कि हां, हमारी ऑस्ट्रेलियाई टीम है। अंपायर की गलती की वजह से इंडिया ये मैच आ रहा है, तो इस मैच को हम दोबारा जरूर कराएंगे। खर्चा चाहे जितना भी हो, इस खबर को सुनने के बाद भारत के हर एक फैंस के चेहरे